अमन फारूकी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल्स की दुनिया में अगर टिके रहना है आपको, यू हैव टू थिंक बिग, थिंक न्यू एंड एक्ट फास्ट। Then only you can stay in the competition. और Fiat की Punto Evo launch हुई है market में, और Fiat यही बताना चाहता है that they are dead serious about their product. हम ले चलेंगे इसकी test drive पर आपको, और आपको बताएंगे whether it is worth your buy or not. और आज देखिए power drive में कैसा 5-star hotel जो उड़ सकता है, whether it's helicopter or 5-star hotel, राज खुल जाएगा। और आपकी कार का रंग आपके बारे में क्या कहता है, power drive में देखिए। So the next time you color your car, color with your attitude. Fiat ने अपनी कार Punto में लंबे वक्त के बाद कुछ बदलाव किए हैं। अब आपको Fiat Punto ज्यादा मॉडर्न, ज्यादा स्टाइलिश एंड स्पोर्टी नजर आएगी, और उसमें कुछ ऐसे फीचर्स डाले गए हैं जो पहले नहीं थे। और Fiat का दावा है that this one is worth your money and your attention. तो आपको लिए चलते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव पर एंड देखें whether Fiat is right or wrong. सबसे ज्यादा कंपटीशन हमें हैचबैक सेगमेंट में देखने को मिलता है, और यही वजह है कि इस सेगमेंट में हर कार कंपनी या तो अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है या उसे रीडिजाइन करती है। आज हमारे साथ ऐसी ही कार है Fiat की Punto, जिसे कंपनी ने नए लुक्स के साथ, नए डिजाइन के साथ, नए फीचर्स के साथ रीलॉन्च किया है। आइए इसकी बाहरी बनावट पर नजर डालते हैं और जानते हैं ये कितनी नई है पुरानी Punto। कंपनी ने इसे फ्रेश लुक देने के लिए इसके बोनट को स्लोप शेप में डिजाइन किया है, जो काफी अग्रेसिव भी दिखते हैं। इसके अलावा जब आप इसके हेडलाइट को देखेंगे तो इसका हेडलाइट का डिजाइन भी आपको बदला हुआ मिलेगा, जो काफी खूबसूरत है। वहीं जब आप उसको फ्रंट से देखेंगे इसके ग्रिल को, तो इसके ग्रिल को ओवल शेप में डिजाइन किया गया है, जिसपे क्रोम का इस्तेमाल आपको बखूबी नजर आएगा। इसके अलावा इसके फॉग लैंप पे भी आपको क्रोम फिनिश मिलेगा, जो काफी स्पोर्टी बनाते हैं इसके लुक को। जब आप इसके साइड प्रोफाइल को देखेंगे तो यहाँ आपको कोई खास बदलाव नजर नहीं आएगा, सिवाय इसके डोर हैंडल को छोड़कर, जिसमें क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इसमें आपको नए अलॉय व्हील मिलेंगे 18 इंच के, लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इस शेप का अलॉय व्हील आपको सिर्फ डीजल वेरियंट में मिलेगा, पेट्रोल वेरियंट में नहीं। जब आप इसके बैक प्रोफाइल को देखेंगे तो इसका बैक प्रोफाइल भी पुरानी Punto से बिल्कुल अलग, बिल्कुल नया है। इसके स्पोर्टीनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी ने यहाँ स्पॉइलर फिट किया है। इसके अलावा इसका टेल लाइट काफी स्लीक है, इसमें LED लाइट का इस्तेमाल किया गया है। वहीं जब आप इसके फॉग लाइट को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्रोम का इस्तेमाल मिलेगा, जो इस कार को काफी ट्रेंडी दिखा रहा है। Fiat की Punto अब बन गई है Punto Evo। Punto शुरू से ही लोगों के बीच एक पसंदीदा कार के तौर पर देखी गई, लेकिन इसके बावजूद ये भारतीय बाजार में कोई खास बिजनेस नहीं कर पाई। इसकी कई वजह थी, मेंटेनेंस कॉस्ट का हाई होना, एडवांस फीचर्स का ना होना और इंजन पावर में कमी। लेकिन अब कंपनी ने इन सारी कमियों को दूर करने की कोशिश की है। एक्सटीरियर डिजाइन के बाद अगर Punto के इंटीरियर डिजाइन पर नजर डाली जाए तो वो भी आपको बदला हुआ मिलेगा। Punto में अब नया डैशबोर्ड लगाया गया है, जो कंपनी की कार लीनिया से मिलता जुलता है। डैशबोर्ड पर एम्बिएंट लाइटिंग सिस्टम फिट किया गया है, जो इंटीरियर को कंटेम्परेरी दिखाता है। कस्टमर्स को अक्सर Punto के इंटीरियर्स डल लगते थे, और अभी भी आपकी राय ये ही रहेगी। इंटीरियर में इस्तेमाल किया गया प्लास्टिक आपको कुछ खास पसंद नहीं आएगा, लेकिन हाँ, Punto की सिटिंग कंफर्टेबल है। कार में स्पेस की भी कोई कमी नहीं है। रियर केबिन में 3 लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते हैं, वो भी बेहतर लेग रूम और थिक सपोर्ट के साथ। नई Punto में क्लाइमेट कंट्रोल, ऑक्स, USB पोर्ट, ऑटोमेटिक हेडलाइट, रेन सेंसिंग वाइपर्स और रियर AC वेंट भी मौजूद है। इस कार में आपको कई चेंजेस मिलेंगे, लेकिन इसके इंजन में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया। इसके पेट्रोल वेरिएंट में आपको वही पुराना 1.2 और 1.4 लीटर का इंजन मिलेगा, और इसके डीजल वेरिएंट में 1.3 लीटर का इंजन लगा है। अगर मैं इसकी ड्राइविंग क्वालिटी और इसके कंफर्ट लेवल की बात करूं, तो यहां आप थोड़े से निराश हो सकते हैं। सबसे पहले मैं इसके स्टीयरिंग की बात करता हूं, तो इसका स्टीयरिंग आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, स्पेशली इसकी पोजीशनिंग, जिसे आप ज़्यादा टिल डाउन नहीं कर पाएंगे। सिटी ड्राइविंग करते वक्त इसका स्टीयरिंग हमें काफ़ी हार्ड महसूस हुआ, लेकिन हाँ,
हाईवे ड्राइविंग करते वक्त ये कार बेहद ही कमाल का परफॉर्म करती है। पुंटो में कई बदलाव किए गए हैं। हाई स्पीड में कार कॉन्फिडेंट रहती है, आपको कहीं भी महसूस नहीं होगा कि कार अनस्टेबल हो रही है। लेकिन पुंटो के डीजल वेरिएंट में केबिन नॉइज बहुत ज्यादा है, जो ड्राइव करते वक्त आपको अपसेट कर सकता है। इसका पेट्रोल वेरिएंट 67 और 90 bhp की ताकत देता है और इसका डीजल इंजन 75 bhp का पावर जनरेट करता है। कंपनी के मुताबिक पुंटो ईवो 1 लीटर में 14 से 20 किलोमीटर का माइलेज देगी। फिएट ने नई पुंटो की दिल्ली में एक शोरूम कीमत 4,55,000 से 7,20,000 रुपए रखी है। नई पुंटो की यूएसपी मानी जा रही है इसका एक्सटीरियर डिजाइन, जो बेहद स्पोर्टी, मॉडर्न और ट्रेंडी है। लेकिन सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि सेगमेंट में हुंडई की i20 एलीट, फॉक्सवैगन की नई पोलो और एटियोस लीवा मौजूद है, जो शानदार लुक्स के साथ कई बेहतरीन फीचर्स भी ऑफर कर रही है। पावर ड्राइव के लिए वीडियो जर्नलिस्ट रमाशंकर के साथ दिलीप गौतम। अगर आप बाइक लावा हैं और आपको जूम करके सड़क के इस छोर से उस छोर पे जाने में बड़ा मजा आता है और आप ऐसी मूवीज के शौकीन हैं जिसमें बाइक इज द हीरो ऑफ द फिल्म, तो आपके लिए दो बाइक्स बनी हैं। वन इज होंडा CBR 250 एंड द अदर इज कावासाकी निंजा 250, क्योंकि ये बाइक्स अपने लुक, अपने स्टाइल और अपने स्पोर्टी लुक और अपने पावर के लिए जानी जाती हैं। देन इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ बाइक, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके हाथ में भी इन्हीं दोनों बाइक्स में से किसी एक का हैंडल हो और आप पावर सीट पर बैठे हो, तो हम आपको बताते हैं कि इन दोनों में से आपको कौन सी बाइक परचेज करनी चाहिए। टेक अ लुक। ये है होंडा CBR 250R। इसे 2013 में भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था और तब से ये बाइक लोगों की चहेती बनी हुई है और वजह है इसकी कम कीमत। कीमत के लिहाज से इस बाइक ने अपने सेगमेंट की दूसरी बाइक को पछाड़ दिया है। भारत में होंडा CBR 250 की कीमत है 1,56,000 से 1,92,000। लेकिन होंडा CBR 250R का कड़ा मुकाबला कावासाकी निंजा से है, जिसकी कीमत है 3,60,000 रुपए। स्पीड लवर कावासाकी निंजा को काफी पसंद करते हैं, खासकर इसके स्पोर्टी और किलर लुक के लिए। निंजा 250 दिखने में हैवी सुपर स्पोर्ट्स बाइक लगती है। निंजा के ऊपर फुल फेयरिंग लगा है, जिससे इसका स्पोर्टी अंदाज तो बरकरार रहता ही है, साथ ही राइडिंग के दौरान तेज हवा से भी राहत मिलती है। इस बाइक में 17 इंच के अलॉय व्हील हैं, जो बाइक को बेहद खूबसूरत बनाते हैं। दूसरी तरफ CBR 250R अपनी ही फैमिली की सुपर बाइक VFR 1200F से इंस्पायर्ड है। दिखने में ये हूबहू वैसी ही बोल्ड और स्टाइलिश है। CBR 250R के दो वेरिएंट हैं, एक बिना एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के और दूसरा वेरिएंट है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। बात अब इन दोनों बाइक्स के परफॉर्मेंस की, तो निंजा में 249cc इंजन है, जो बाइक को 33 PS की ताकत देता है। इस बाइक का वजन है 172 किलोग्राम। वहीं होंडा CBR में भी 249cc का इंजन है, लेकिन ये बाइक को 26 PS की ताकत देता है और इस बाइक का वजन है 165 किलोग्राम। हालांकि CBR 250 वजन में निंजा से थोड़ी हल्की है, लेकिन राइडिंग के दौरान ऐसा महसूस नहीं होता। CBR 250 में DOHC लिक्विड कूल इंजन लगा है, जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसका फायदा ये है कि तेज रफ्तार में ये बाइक वाइब्रेट नहीं होती और बेहद स्मूथ राइडिंग मिलती है। हाईवे हो या शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कें, दोनों जगह आप इस स्पोर्ट्स बाइक को बिना किसी परेशानी के साथ चला सकते हैं। ये बाइक 150 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती है, लेकिन 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने में CBR 250 को निंजा के मुकाबले 1 सेकंड का वक्त ज्यादा, यानी 9 सेकंड लगते हैं, जबकि निंजा 100 किलोमीटर की रफ्तार 8 सेकंड में पकड़ लेती है। निंजा की टॉप स्पीड CBR 250 से 20 किलोमीटर ज्यादा, यानी 170 किलोमीटर है। सुरक्षा के लिहाज से निंजा के फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक दी गई है। निंजा में एक खामी ये है कि स्पीड ब्रेकर पर इसे बड़ी सावधानी से निकालना पड़ता है। बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस
CBR 250 के मुकाबले काफी कम है। वहीं कम कीमत में होंडा कंपनी ने CBR 250 में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का विकल्प दिया है। लुक्स के लिहाज से कावासाकी निंजा का मुकाबला नहीं है, लेकिन आप अगर कम कीमत वाली स्पोर्ट्स बाइक लेना चाहते हैं जिसमें आपको रफ्तार और पावर साथ साथ मिले, तो होंडा CBR आपके लिए एक राइट चॉइस साबित होगी। बॉलीवुड मूवी है जिसका नाम है शौकीन। वेल, दुनिया में शौकीनों की कोई कमी नहीं, और अगर आप शौकीन हैं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। किसी को फाइव स्टार होटल में ठहरने का शौक होता है, किसी को बहुत अच्छे लग्जरी रेस्टोरेंट में खाने का शौक होता है, किसी को बहुत अच्छी कार ड्राइव करने का शौक होता है। अब अगर मान लीजिए ऑल दीज थिंग्स आर कंबाइंड इन वन, यानी एक ऐसा फाइव स्टार होटल हो जिसमें बेहतरीन खाना हो, जिसमें बेहतरीन क्वीन साइज बेड्स हो, जिसमें स्विमिंग पूल हो और साथ साथ वो हवा में उड़ सकता हो, नथिंग लाइक इट। वेल, इसी को तो कहते हैं जन्नत, और कैलिफोर्निया में ये जन्नत इन्वेंट की गई है। तो हम आपको इस जन्नत से क्यों महरूम रखे, लेट्स टेक यू देयर टू कैलिफोर्निया, और आप भी देखिए ये एक ऐसा अजीब गरीब इन्वेंशन जिसे देखकर आपका दिल कहेगा ओ माय गॉड, व्हेन विल आई गो इनटू इट। ये है दुनिया का पहला उड़ने वाला होटल। फाइव स्टार होटल को हेलीकॉप्टर में बनाया गया है जिसमें आप खाने का मजा तो ले ही सकते हैं, साथ ही आप हवाई सफर का भी मजा ले पाएंगे। कैलिफोर्निया में बनाए गए इस होटल को होटलीकॉप्टर का नाम दिया गया है, जिसमें होटल भी है और हेलीकॉप्टर भी। ये होटल स्पेशली उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो यूनिक और मेमोरेबल एक्सपीरियंस की चाह रखते हैं। इस फोर स्टोरी होटल में आपके कंफर्ट, जॉय, फन और सेफ्टी का पूरा इंतजाम किया गया है। आपकी एक्सट्रीम लग्जरी के लिए इसमें 18 साउंड प्रूफ रूम हैं, जिसमें क्वीन साइज बेड के साथ वर्लपूल बाथ, मिनी बार, कॉफी मशीन, वाईफाई लगाया गया है, जिनका लुत्फ आप जब चाहे उठा सकते हैं। टेक ऑफ के एक घंटे के बाद और लैंडिंग के एक घंटे पहले तक होटल में रूम सर्विस ली जा सकती है। आपको एक्स्ट्रा फ्लाइंग प्लेजर देने के लिए इस होटल में स्पा ट्रीटमेंट, योगा क्लासेस, टी गार्डन जैसी फैसिलिटीज भी है। ये होटलीकॉप्टर 1,05,000 किलोग्राम तक वजन उठाने का दम रखता है और इसकी टॉप स्पीड है 255 किलोमीटर पर आवर। अभी तक इस होटलीकॉप्टर ने अपनी उड़ान नहीं भरी है, लेकिन जब ऐसा होगा तब आप लग्जरी और मेमोरियस एक्सपीरियंस हवा में भी कर पाएंगे। पावर ड्राइव में यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आपकी कार का रंग आखिर आपके बारे में क्या कहता है। वेल, कुछ तो कहता है, लेकिन क्या कहता है, ये आपका मिजाज क्या है, आपके एम्बिशंस क्या है, और आप बेसिकली किस नेचर के इंसान है। That's coming up right after the break. Don't go away. अब आपको दिखाते हैं कि पिछले एक हफ्ते में ऑटोमोबाइल्स की दुनिया में क्या क्या हुआ। बिलीव मी, इट्स द मोस्ट हैपनिंग एंड द मोस्ट बजिंग इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो वी विल टेल यू व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स कुकिंग इन द वर्ल्ड ऑफ कार। लगातार लॉन्च के बाद कार कंपनी मर्सिडीज अब अपनी नई सेडान कार E350 को लॉन्च कर चुका है। डिजाइन और स्टाइल के मामले में नई E350 भारत में मौजूदा E क्लास से मिलती जुलती होगी, लेकिन हाँ, कार के इंटीरियर्स पहले से ज्यादा प्रीमियम और लग्जूरियस हैं। साथ ही नई E350 में नए सेफ्टी फीचर्स जैसे लेन कीपिंग असिस्ट, क्रॉस ट्रैफिक असिस्टेंट, स्टीयरिंग डिस्ट्रोनॉटिक के साथ एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी शामिल किए गए हैं, जिनसे आप और भी ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। E350 में वही पुराना 4 लीटर का इंजन मिलेगा जो 272 BHP की ताकत देगा।
नई E350 की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 64 लाख रुपए रखी गई है। कार कंपनी स्कोडा अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी येटी को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर चुकी है। नई येटी में अब आपको दो वेरिएंट मिलेंगे, 4X2 और 4X4, जो 109 और 138 BHP की ताकत देगा। येटी के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, अब ये कार सिर्फ डीजल इंजन में मौजूद होगी। कार के दोनों वेरियंट्स में आपको मैनुअल गियर बॉक्स ही मिलेगा। कार के फ्रंट में कोई खास बदलाव नहीं है, लेकिन नए ज़ेनॉन रेक्टेंगुलर हेडलैम्प्स, कॉर्नर्ड फॉग लैम्प्स कार के फ्रंट को फ्रेश लुक देता है। रियर पर भी नए राउंडेड लाइंस और नए हेडलाइट्स फिट किए गए हैं, जो शार्प और अट्रैक्टिव हैं। वहीं नई येटी में आपको 16 इंच के एलॉय व्हील मिलेंगे, जो दोनों वेरियंट में अलग है। कार में नया 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, टच स्क्रीन, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट, स्टार्ट बटन भी फिट किया गया है। और दिल्ली में नई स्कोडा येटी की एक्स शोरूम कीमत 18,99,000 से 20,05,000 रुपए रखी गई है। कहते हैं कि रंग के बिना दुनिया क्या है। हम रंग को एसोसिएट करते हैं खूबसूरती के साथ, पर आई एम सॉरी, रंग का कुछ मतलब होता है, हर रंग कुछ कहता है। और आपकी कार का रंग क्या है, ये आपके बारे में, कार के ओनर के बारे में बहुत कुछ कहता है। मिसाल के तौर पर, माय कार इज ब्राउन। ब्राउन सेज दैट यू आर वेरी बोल्ड। वेल, गुड फॉर मी। इफ यू आर बोल्ड, देन यू आर स्ट्रांग, दैट्स अ गुड थिंग। अगर आपकी कार का रंग पीला है, तो आप बहुत पॉपुलर होना चाहते हैं। ऑल दिस एंड लॉट्स मोर, कितने सारे कार्स के कलर्स होते हैं, गो चेक आउट विच कलर इज योर्स एंड विच कार कलर शुड बी। इंडियन मार्केट में व्हाइट और ब्लैक कलर की कार सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, और इसकी खास वजह है। सबसे पहले बात करें सिल्वर कलर की, तो ये कलर भी बहुत पसंद किया जाता है। अगर आपकी कार का कलर सिल्वर है, तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं, और साथ ही आप अपने फ्यूचर को लेकर भी बहुत सीरियस रहते हैं। रेड कलर पावर को दर्शाता है। अगर आपकी कार लाल रंग की है, तो आप थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के इंसान हैं। लेकिन इस कलर को पसंद करने वाले अपनी पर्सनालिटी से लोगों को इजीली चार्म भी कर देते हैं। जो लोग लाइट मूड पसंद करते हैं, उन्हें व्हाइट कलर की कार ही पसंद आती है। ऐसे लोग ना तो गंदगी पसंद करते हैं और ना ही लड़ाई झगड़ा। अगर आपकी कार काले रंग की है, तो आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले हैं। ब्लैक कलर की चाहत रखने वालों की एक और खास बात होती है कि आप आसानी से किसी बात के लिए तैयार नहीं होते, पूरी तरह तसल्ली होने के बाद ही आप अपना विचार रखते हैं। येलो कलर की गाड़ियाँ उन लोगों को पसंद आती हैं जो काफी फेमस होना चाहते हैं, जो अपनी पहचान पूरी दुनिया में बनाना चाहते हैं, और वो चिल्लाने में भी पीछे नहीं हटते। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ये लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं। मिट्टी से जुड़े लोग सादगी को ही सुंदरता मानते हैं, और ऐसे लोगों को ब्राउन कलर यानी भूरा रंग बहुत पसंद आता है। ब्राउन कलर की कार चाहने वाले लोग सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में यकीन रखते हैं। ऑरेंज कलर की कार का ट्रेडिशन इंडिया में पिछले कुछ ही सालों में आया है। इस कलर की कार खरीदने वाले जिंदगी में पूरे मजे लेना चाहते हैं। ये लोग खुश मिजाज होते हैं, जिन्हें खुशियों के बीच रहना ही पसंद होता है। ग्रीन कलर की कार की चाहत रखने वाले लोग ट्रेडिशनल थिंकिंग के होते हैं, साथ ही ऐसे लोगों की कॉन्सेंट्रेशन पावर भी हाई होती है। We'll be right back.
चाहने वालों को पिंक कलर बहुत पसंद आता है। ये कार कलर अक्सर रेड एंड व्हाइट को मिलकर बनाया जाता है, तो पिंक कलर की कार चाहने वाले इम्पल्सिव तो होते ही हैं, और ऐसे लोग डिटेल्ड और एक क्लीन लाइफ गुजारना पसंद करते हैं। जाहिर है कार कौन सी है ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन कार का कलर कौन सा है ये भी कम जरूरी नहीं है। इसलिए तो कहते हैं द कार यू ड्राइव सेज अ लॉट अबाउट यू। तो दोस्तों, एवरी एंडिंग हैज टू हैव अ न्यू बिगिनिंग, और समय का पहिया घूम रहा है। याद रखिए, वक्त, हालात और किस्मत किसी के लिए नहीं होते, तो आप भी अपने लिए एक अच्छी जिंदगी का ख्वाब देखिए, बिकॉज वी ऑल आर वर्थ इट। पावर ड्राइव में आज बस इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा, आप प्लीज हमें कोई सजेशन लिखना हो, सुझाव भेजने हो, एडवाइस देनी हो, देन प्लीज सेंड इट टू अस ऑन facebook.com/bhaskarnews.powerdrive। और अगर आपको हमारा शो दोबारा देखने हो, तिबारा देखने हो, 100 टाइम्स देखने हो, देन प्लीज लॉग ऑन टू www.bhaskarnewsonline.com। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट यू नेक्स्ट वीक इन अ ब्रांड न्यू एपिसोड। टिल देन, कीप लविंग ऑटोमोबाइल्स। गुड बाय।